कुकिंग का ना मेरा वैसा रहता है कि मैं डेली नहीं करता, बट जब करता हूँ ना बड़े मन से करता हूँ। सुशील घरेलू लड़की जो होगी, वह जैसे कहते हैं लड़कियों के लिए, वैसे ही एक सुंदर सुशील घरेलू मर्द भी आपको मिल जाएगा। कैसी वाली है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। हाय गाइस, मैं हूं शिवम खजूरिया, आप लोग मुझे रोहित पोदार के नाम से जानते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, और आज मैं हूं इंडिया फोरम्स के साथ। आज वो लोग मेरे घर पे आए हैं और जानना चाहते हैं कि मैं खाने में क्या खाता हूं और मैं कैसे खाना बनाता हूं। तो आइए मैं सबको दिखाता हूं कि मैं आज क्या बनाने वाला हूं, जो कि बहुत ईजी है बट उस पर मेरा एक स्पेशल टच है। तो चलिए देखते हैं। मैं एक प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, लेकिन काम चलाओ खाना बना लेता हूँ। अभी रोहित पोदार शो में नहीं है तो बेचारे को खुद बनाना पड़ रहा है, वरना दादी सा अरेंज कर देती है सब। ये हमने निकाल ली पहली लेयर। वैसे प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू भी आते हैं, तो आ रहे हैं फिलहाल। अभी तक तो ठीक है, अभी आंसुओं की आदत हो गई है। क्या है कि इतनी बार दिल तोड़ चुकी है मेरा रूही कि आंसुओं की आदत हो गई है, अब आते ही नहीं है। तो आई थिंक इतने प्याज बहुत हैं। हाँ, काट लेते थोड़ी सी, क्योंकि लाइफ और खाने में थोड़ा तीखा बहुत होना ज़रूरी है। वैसे खाने की बात कीजिए तो क्या है कुछ फेवरेट, मतलब खाने में मुझे भुर्जी बहुत पसंद है, चाहे वो अंडा भुर्जी हो चाहे पनीर भुर्जी हो। मेरी फेवरेट है। मैं नॉनवेज भी प्रेफर करता हूँ, बट आजकल थोड़ा, अभी मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, बहुत नॉनवेज खाया, तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा नॉनवेज ना खाऊं। अंडे को मैं नॉनवेज नहीं मानता, अंडा मेरे लिए वेज ही है। जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस है वो मेरी बात समझ पाएंगे कि अंडे को हम नॉनवेज मानते ही नहीं, वो हमारा ऐसे डेली रूटीन वाली बात है। और बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी मेरी फेवरेट है। वैसे मैं बिरयानी भी बनाता हूँ, बट वो थोड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब मुझे फटाफट कुछ खाना खाना होता है तो उसके उस मामले में मेरा शॉर्ट फटाफट फटाफट खाना बना के खाओ और फटाफट भागो, ये रहता है। तो मोस्टली सेट पे जब भी जाना होता है तो लंच खुद ही, मतलब अपने लिए प्रिपेयर करके जाता है? कभी 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 खुद प्रिपेयर करता हूँ, कभी ऑर्डर कर लेता हूँ, कभी मेरी आंटी मुझे खिला देती है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बट भूखा कभी नहीं रहता। और वैसे मतलब देखा जाए तो पर्सनालिटी वाइज जिम वगैरह भी एकदम सॉर्टेड चलता ही होगा? जिम वगैरह चलता ही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। ज़रूरी ये है कि मैं ऐसे हार्ड कोर जिम लवर नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि आदमी को फिट रहना चाहिए, और फिट रहने के लिए आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। आप स्पोर्ट खेल सकते हो, आप एक अच्छी सी वॉक पे जा सकते हो, तो मूड पे डिपेंड रहता है। बट हाँ, आप एज एन एक्टर आपको एक प्रॉपर एक शेप चाहिए होती है, जो आपकी बॉडी की कपड़े आप पे अच्छे लगे, आप जो भी पहनो, सूट्स पहनो टी शर्ट्स पहनो, तो वो अच्छे लगे। तो इसीलिए थोड़ा सा एक शेप को बनाने मेंटेन करने के लिए मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। बट हाँ, मिक्स रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। मस्त मौले आदमी है, जो मन करे कर लेते हैं। तो हमारी चॉपिंग हो गई है रेडी, अभी थोड़ा सा इनको फ्राई करते हैं ऑलिव ऑयल में। थोड़ा सा कम ही डालते हैं ऑयल, ऑयल को थोड़ा फैला लेते हैं अच्छे से। संजीव कपूर वाली फीलिंग आ रही है कसम से आज तो। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था, जैसे कुकिंग का ना मेरा वैसा रहता है कि मैं डेली नहीं करता, बट जब करता हूँ ना बड़े मन से करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में एक शो आता था कुक ना कहो, तो उसमें बड़े हैंडसम मॉडल्स को आप देखते थे और वो कुकिंग करते थे। तो मेरा मन है ऐसा कोई शो हो तो प्लीज़
ऑफर कीजिए मुझे, मैं काट वाट लेता हूँ, सब कर लेता हूँ. और बहुत बहुत मज़ा आता है. स्पेशली मेरा आप इंस्टाग्राम देखेंगे ना तो मेरी जो एक्सप्लोर पेज में आपको सिर्फ खाने की चीज़ें मिलेगी कि खाना बना रहे हैं वो, क्या कहते हैं उसको, फूड गैजम. तो फूड गैजम चलता है मेरा. अभी तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इनको अच्छे से भूनते हैं मसाले को. फिर उसके बाद हम अपना अंडा तोड़ेंगे और उसमें हम बढ़िया सी भुर्जी बनाएंगे. अंडा भुर्जी अगर बात करें तो कहाँ की आपको ज़्यादा पसंद है, अगर स्ट्रीट फूड में देखा जाए? स्ट्रीट फूड में लास्ट मैंने कहाँ खाया था यार, लास्ट मुझे याद है मैंने गोवा में बहुत अच्छी अंडा भुर्जी खाई थी. मैं एक पार्टी से आ रहा था और रात को आप स्पेशली आपको खाने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, तो आपको अंडा भुर्जी पाव मिलेगा या आपको मिलेगा मैगी मिलेगी, रात के जो आफ्टर पार्टी वाले खाने होते हैं. तो मैगी की जगह मैं अंडा भुर्जी प्रेफर करता हूँ, साथ में अपना पाव, वो जो मस्का मार के होता है ना, बटर लगा के, आहा क्या मज़ा आता है. आप मतलब आपकी पार्टी सफल होती है तभी जब आप अंडा भुर्जी बन के साथ मस्का मार के खाओ, तब आपको लगता है आपने अच्छी पार्टी की है. क्योंकि डिनर कोई करता नहीं है पार्टी के टाइम पे, तो वो बस अंडा भुर्जी एक लास्ट ऑप्शन रहता है बेस्ट. तो हमेशा मतलब घर पे अगर कभी मौका मिलता था तो मम्मी के साथ कभी कुकिंग वगैरह? हाँ हाँ, मेरी मम्मा जो थी वो, मेरी मम्मा जो है वो टीचर है, तो वो स्कूल जाती थी, दो ढाई बजे तक उनकी क्लास होती थी और मैं स्कूल जाता था, बट मेरी छुट्टी होती थी सैटरडे संडे, बट शायद मम्मी को जाना पड़ता था, कुछ कभी मैं छुट्टी मार लेता था. तो मेड आती थी घर पे, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे को इतना ट्रेन किया गया था कि मैं सब कुछ बना लूँ, मतलब अपना पालन पोषण मैं कर लूँ. रोटियाँ जो है वो थोड़ी सी मेरे से मैप बनती हैं उल्टा सीधा, लेकिन बाकी सब मैं बना ही लेता हूँ, मतलब खाने लायक बना लूँ. चिकन मेरा स्पेशलिटी है, कभी आपको नेक्स्ट टाइम चिकन बना के खिलाऊंगा. पर मैंने कहा कि अभी माहौल वेज ही रखते हैं. ओहो तड़का भी आ गया. हालांकि ये जो था ये स्क्रिप्ट में नहीं था. ये अलग से हुआ बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा. चार चांद लग गए हमारे खाने को, अग्नि देवता ने हमें साक्षात दर्शन दिए. मिर्ची तो डालो. अभी डालते हैं मिर्ची. अभी थोड़ा सा गोल्डन प्याज, थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद टमाटर डाल के अच्छे से भून लेंगे, फिर मसाले डालेंगे, फिर मैं बताता हूँ क्या. आग ने दिया शॉक, कसम से एकदम वो टीवी शो वाली फीलिंग आई अभी कि बस अभी आग ने शॉक दे दिया है और अभी कुछ ना कुछ गूफ अप होने वाला था, लेकिन वक्त रहते हमने बचा लिया. तो जैसा कि आप मेरे स्टाइल से समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल शेफ नहीं हूं, बट काम चल जाता है. धोखा नहीं रहेगा इंसान, धोखा नहीं रहेगा, मतलब कोई सुंदर सुशील घरेलू लड़की जो होगी, वह जैसे कहते हैं लड़कियों के लिए, वैसे ही एक सुंदर सुशील घरेलू मर्द भी आपको मिल जाएगा. मेरी मम्मी भी लेफ्टी है. हाँ. उल्टे हाथ वालों के काम भी उल्टे ही रहते हैं स्पेशली. थोड़ा सा क्रंची बना के फिर हम इसमें थोड़े मसाले वगैरह डालते हैं. पहले डालेंगे नमक. आपने वो देखा है क्या, एक कुकिंग शो आता था, उसमें एक सरदार कुक करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है. तो उनका मैं शो देखता था, जब भी वो नमक डालते थे ना तो एक गाना गाते थे, नमक शमक डाल देते हैं. उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट बड़ा मजा आता था उनका, स्पेशली वो पंजाबी डिशेज बहुत अच्छी बनाते थे. अच्छा, आपका फेवरेट खाना क्या है? मेरा फेवरेट? हाँ, पनीर. पनीर? Because I'm vegetarian. अरे यार, तो मुझे पता होता तो मैं पनीर भुर्जी बना देता है. नहीं. ये तो धोखा हो गया. मोए मोए. एक तो सबसे अच्छा ये पिंक सॉल्ट. हाँ,
थोड़ा सा हेल्दी वाला मामला रहता है अपना। वैसे जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे स्ट्रीट फूड्स क्या होते थे? सो मेरा जो बचपन है वो बीता है जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में। तो हमारा सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है जो आपको पूरी दुनिया में खाने को नहीं मिलेगा, वो है कलाड़ी कुलचा। तो जो जम्मू वाले होंगे उनको पता चल गया होगा, ये एक टाइप का चीज है, देसी चीज है। तो इसको हम कुलचा होता है, कुलचा, कुलचे में भर के कलाड़ी को उसमें थोड़ा तेल में थोड़ा सा फ्राई करके उसमें से थोड़ा चाट मसाला नमक वगैरह डाल के हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ उसको खाते हैं। उससे टेस्टी चीज़ आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। तो जो कलाड़ी कुलचा है वो मेरे बचपन की यादें हैं, और मिर्ची की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी। ऋषिकेश देहरादून में रहता था, वहाँ का स्ट्रीट फूड क्या, वहाँ के चाट बड़े फेमस है, आलू टिक्की, बन टिक्की और मोमोज बहुत फेमस है देहरादून के स्पेशली। भैया कि आपको रोना आता है? नहीं, प्याज काटने से नहीं आता, लेकिन मेरे तड़का लगाने से जरूर रोना आता। अभी अपना काम करते हैं, तो अब बात करते हैं ये रिश्ता शो कैसे ऑफर हुआ। ये रिश्ता शो, यार मैं, मेरा शो खत्म हुआ उसके बाद मुझे डीकेपी से कॉल आया कि एक कैरेक्टर है, एक शो आ रहा है उसके लिए ऑडिशन लेना है। तो मैं गया, तो पहले ये रिश्ता की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये रिश्ता की कहानी कुछ अलग थी, वो स्टोरी अलग थी कुछ था। तो उसका ऑडिशन दिया, मेरा मॉक शूट हुआ, सब हो गया, फिर कुछ शायद स्क्रिप्ट में चेंजेस हुए, कुछ ऐसा हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे चार लोगों की कहानी बन गई, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये सब, दादी सा है एक जो बहुत गुस्सा होती है। तो फिर राजन सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि क्या पोटेंशियल है इस शो का, इस कैरेक्टर का, किस तरीके से हम देख रहे हैं। फिर जब एक इतना पैशनेट आदमी आपको अपनी विजन बताएगा तो आपको भरोसा हो ही जाता है, और बहुत अच्छा भी हुआ मेरे लिए। मैंने बहुत इंजॉय किया, मैंने अपने कैरेक्टर को बहुत इंजॉय किया। और बस ऐसा करते करते डेढ़ महीना बीत गया। फिर मुझे पहले से ही पता था कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रोहित का गायब होना जरूरी है, जरूरी। तो रोहित गायब हुआ, बट लोगों के दिलों से गायब नहीं हुआ। लोगों ने मुझे प्यार किया, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। ये सब होने के बाद अभी बस लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब रोहित आएगा और धूम मचाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाएंगे और अपने झंडे गाड़ के आएंगे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस है, इससे आपको अपडेटेड रखता है। और डायरेक्टर स्पेशली इतने अच्छे हैं, स्पेशली मेरे जो सीनियर एक्टर्स हैं सेट पे, जो अनीता मैम हो गई, श्रुति, दो श्रुति हैं, सिकंदर सर, माधव जी, ये सब, सिद्धार्थ सर, ये इतने अच्छे हैं कि मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप, मतलब वो आपसे सीनियर हैं या कुछ है। साथ में बैठ के खाना खाते थे, उनको मैंने अपना खाना भी खिलाया एक दो बार, तो मेरे सामने तो उन्होंने बोला अच्छा लगा, बाकी मुझे पता नहीं। तो ऐसी इन्वायरमेंट है सेट पे ना, इतना इस तरीके की इन्वायरमेंट है, बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं कब जाऊँ, नॉट फॉर एनीथिंग, जस्ट फॉर एक वाइब के लिए, कि मतलब सेट की जो वाइब थी ना वो बहुत मिस करता हूँ मैं। हमारा अंडा रेडी हो चुका है, फाइनली अंडा भुर्जी भी रेडी हो, अंडा भुर्जी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि कलर वाइज तो ठीक ही लग रही है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी इसको हम शिफ्ट कर देते हैं बोल में, और उसके बाद इसमें बढ़िया सा धनिया डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया लेके,
धनिया से मजा बहुत आता है, मतलब एक गार्निश जो लगती है ना, ऐसा लगता है कि आपने कुछ बनाया है। ये जो फीलिंग है ना, ये फेंक के मारने की, इसकी बात ही कुछ और है। चलो भाई, मेरी भुर्जी तो हो गई रेडी, अभी मैं टेस्ट करेंगे। चलो भाई, आ जाओ आप मेरे साथ टेस्ट करो। आज कैमरे के पीछे के लोग कैमरे के आगे हमारा खाना टेस्ट कर रहे हैं। आ जाओ बैठो। लेकिन हमें पता चल गया है कि भाई सच में वेज है। मैं वेज है। तो अब खा के खुद ही बताओ। अब मैं तो खाऊंगा भाई, मैंने बनाई है। कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वो इसका वाला काट देना, इसका वाला एक्सप्रेशन काट देना।